हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम के फिटर ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट के 22 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारी फेसबुक पेज पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉट आयरन की वेल्डिंग करते समय फ्लक्स का प्रयोग आंसर है आवश्यक नहीं है। स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 60 से 90 सेंटीमीटर। निम्न में से नॉन फेरस एलॉय मेटल है, तांबा, टिन और एल्यूमिनियम। माइल्ड स्टील के पार्ट्स की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? गैस हार्डनिंग। गैस का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, अत्यधिक उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग क्या कहलाती है? जीरो रीडिंग। किसी बुश का अंदरूनी व्यास 20 प्लस 0.04 से 0.07 mm है। निम्न बनाई गई बुशों में से आप किसको रिजेक्ट करेंगे? 20.05 mm। निम्न में से सरफेस प्लेट के ग्रेडों की संख्या कितनी होती है? 3। चूड़ियाँ निम्न में से किस स्टार्ट की पाई जाती है? सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप की माप उसे डैश व्यास से तथा ट्यूब की माप उसके व्यास से ली जाती है, अर्ध और आंतरिक। अगला क्वेश्चन है, किस बियरिंग में बियरिंग शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी रहती है? जनरल बियरिंग। किस प्रकार की शाफ्ट की चाल उत्केंद्र में होती है? क्रैंक शाफ्ट। मैग्नेटिक चक्र किस क्लैंप का उदाहरण है? नॉन मैकेनिकल क्लैंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हैक्साइक करते समय हैक्सा की औसत चाल कितनी होती है? 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट। टेल स्टॉक किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शेपर टूल में साइड और फ्रंट क्लियरेंस कितना होता है? लेथ टूल की अपेक्षा कम। नट व वोल्ट के जोड़ के प्रयोग के लिए होता है, अस्थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार जाप को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस प्रयोग की जाती है। बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए निम्न वाइस प्रयोग की जाएगी, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है? रॉट आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंकशाफ्ट में कौन सा हार्डनिंग प्रयोग किया जाता है? इंडक्शन हार्डनिंग। किसी एडजस्टेबल स्नैप गेज में दो एडजस्टेबल जबड़े होते हैं? आंसर है, एक की साइडों पर। प्लजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लजर की चाल को रोटरी मोशन में बदला गया है, गियर ट्रेन के द्वारा। निम्न में से किस टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन में अधिकतम डायमेंशन 40 mm से कम होगा? 40 माइनस 0.3 से माइनस 0.2। निम्न में से कौन सा हेड टूल का प्रयोग मार्क करने के लिए किया जाता है? स्क्राइबर का। एक्सी थ्रेड किस आकार का होता है? समलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल शॉप में निम्न चादरों का प्रयोग किया जाता है? 10 से 30 गेज। खराद में किस प्रकार की पुली का प्रयोग किया जाता है? स्टेप पुली। जिग का निर्माण किया जाता है कास्टिंग, फैब्रिकेशन और वेल्डिंग के लिए। फाइल में कटिंग एक्शन डैश होता है, बेली। जॉब और कटिंग टूल के बीच क्लियरेंस देने के लिए किस एंगल को बनाया जाता है? क्लियरेंस एंगल।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम के फिटेड टेट थ्योरी सब्जेक्ट के 22 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले एग्जाम्स का एनालिसिस आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।